हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मटेरियल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि वर्ल्ट डिज्नी ने जब मार्वल स्टूडियो के राइट्स खरीदे, मार्वल स्टूडियो को लिए, अपने साथ कनेक्ट हुए, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्हें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उन्हें पर यह पता था कि इन सुपर हीरो के ऊपर अगर मूवी बनाई जाए इन फ्यूचर तो ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगी। तो मार्वल की 22 मूवीज ने टोटल वर्ल्ट डिज्नी को कितना कमा के दिया, तो आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि टोटल 22 मूवीज ने मार्वल स्टूडियो और वर्ल्ट डिज्नी को टोटल जो अर्निंग दी वो थी 20 बिलियन, जो कि बहुत बढ़िया एक अर्निंग का सोर्स है, जो कि वर्ल्ट डिज्नी को बहुत अच्छा इस चीज से रिस्पांस मिला है। और एवेंजर एंड गेम अगर जिस तरीके से कमा रही है रफ्तार से, जैसे उन्होंने पहले वीकेंड में धमाके मचाए हैं, तो ये क्रॉसओवर हो जाएगा 21-22 बिलियन। तो ये बहुत ही अच्छी अर्निंग है वर्ल्ट डिज्नी की तरफ से। और इन फ्यूचर वर्ल्ट डिज्नी को अगर ऐसे ही प्रॉफिट मिलता रहा तो वो मार्वल फेज 3 में भी और अच्छी अच्छी मूवीज बनाने का फैसला करेगी। तो आपको बता दूं 22 मूवीज हैं मार्वल स्टूडियो फेज 4 में। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पे लोकी के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, चारों।